दोस्तों यह है बिहार राज्य का वैशाली जिला, जो बिहार राज्य के 38 जिलों में से एक है। यह जिला बिहार के मध्य हिस्से में स्थित है। यहाँ का प्रशासनिक हेडक्वार्टर हाजीपुर शहर में मौजूद है। वैशाली जिला बिहार के कई जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान और दक्षिण में बिहार की राजधानी पटना जिला भी शामिल है। वैशाली जिला में मुख्य रूप से फलों की खेती की जाती है, जिनमें आम, कटहल, लीची, गन्ना की खेती काफी प्रसिद्ध है। अथवा वैशाली जिले में प्रवेश करते ही आपको हरे भरे केले के पौधे दिख जाएंगे। वैशाली जिला 2036 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला हुआ है। इस जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 48 लाख थी, जबकि इस जिले में धार्मिक आधार पर 90.20% हिंदू, 9.56% मुस्लिम, बाकी थोड़े बहुत अन्य धर्म के लोग यहां रहते हैं। वैशाली जिले की कुल साक्षरता दर 74.23% है। वहीं जिले का लिंग अनुपात 1000 पुरुष प्रति 904 महिलाओं का है। अब अगर बात करते हैं वैशाली जिले के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में, तो यह जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा बिहार के दूर दराज हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, वैसे तो वैशाली जिले में छोटे बड़े 17 रेलवे स्टेशन, परंतु यहां का मुख्य रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन है, जो कि मुजफ्फरपुर बरौनी हाजीपुर लाइन पर स्थित है, और इस पूरे रेलवे स्टेशन को सोनपुर डिवीजन के द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क मार्ग, अगर हम बात करें सड़क मार्ग की, तो वैशाली जिले से वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 2 राजकीय राजमार्ग गुजरती है। अब अगर बात करें वैशाली जिले के पर्यटन स्थल के बारे में, तो यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल है नेपाली छावनी मंदिर, बरेली झील, अशोक स्तंभ, वैशाली म्यूजियम,